गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ हम सब की फेवरेट चोकोबार आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम बिना किसी क्रीम के बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा लीटर दूध, और यहाँ पर मैंने लिया है कटोरी में आधा कप दूध। इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे शुगर, चीनी 5 बड़े चम्मच, 1.5 बड़े चम्मच कॉर्नस्टार्च या फिर कॉर्नफ्लावर, 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि इसमें कोई लम्स ना हो। ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है, इसमें कोई लम्स नहीं है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। और इसके बाद हम लेंगे एक सॉस पैन और इसमें इस दूध को डाल देंगे, और इसे हम रख देंगे गैस पर उबलने के लिए। ये देखिए दूध में उबाल आ गया है, गैस का फ्लेम जो है वो हम लो पर कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नस्टार्च वाला मिक्सचर, और इसे हमें चलाते हुए पकाना है क्योंकि हमने इसमें कॉर्नस्टार्च ऐड किया है तो वो नीचे जम सकते हैं। तो गैस का फ्लेम मीडियम पे कर दिए, और मीडियम फ्लेम पर आप इसे पकाएं जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता, और इसमें 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर टोटल 10 मिनट हो गया है, और आप देख सकते हैं कि पहले से ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे, और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और आपको इसे बीच बीच में चलाते हुए ठंडा करना है, वरना इसके ऊपर एक पपड़ी जम जाएगी। तो ये देखिए दूध जो है वो ठंडा हो चुका है। इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस 1/2 छोटा चम्मच, और इसे मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर है मेरे पास आइसक्रीम मोल्ड चोकोबार बनाने के लिए, तो इसमें हम इसे फिल कर देंगे, और इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे एल्यूमिनियम फॉइल से या फिर क्लीन रैप से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर पर। और अब हम इसमें लगा देंगे आइसक्रीम वाली स्टिक। तो पहले आप इसमें नाइफ से इस तरह से छेद कर लें, फिर इसमें लगा दें इसे। तो अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए 7 से 8 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट। और यहाँ पर है मेरे पास मिल्क चॉकलेट, ये है 200 ग्राम। आप चाहे तो डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट मिला के ले सकते हैं, डेयरी मिल्क ले सकते हैं। और इसे हम रखेंगे मेल्ट होने के लिए, और इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह बटर ऐड कर सकते हैं, देसी घी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप करें, सिर्फ आप चॉकलेट को मेल्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए चॉकलेट जो है वो पूरी मेल्ट हो गई है, तो इसे हम उतार लेंगे नीचे, और इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक ग्लास में। और यहाँ पर ये जो आइसक्रीम है ये भी अच्छे से सेट हो गई है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे पहले आप पानी में डिप कर दें कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद निकालें। ये देखिए ये निकल गया है आइसक्रीम। तो अब हम इसे चॉकलेट में डिप करेंगे, और ये 10 से 20 सेकंड में ही सेट हो जाते हैं क्योंकि आइसक्रीम जो है वो बहुत ही ठंडी है। तो ये देखिए हमारी एक चोकोबार बन के रेडी हो गई है, इसी तरह से बाकी के भी बना लेंगे। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।